दोस्तों किस तरीके से जब बीमारियां हमको घेर लेती हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं होता कि हम बीमारियों से लड़ सकें, जूट सकें, तो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाएं हमारे लिए एक तरीके से फरिश्ते का काम करते हैं। वो सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों से, जी हां, अपनी तरफ से, अपने मेंबर से पैसे लेती हैं, लोगों से पैसे लेती हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों की सहायता करती हैं जिनका कोई नहीं होता। खैर, सरकार ने काफ़ी सारी सुविधाएँ ज़रूर बनाई हुई हैं लेकिन कई लोग किसी ना किसी प्रणाली के तहत सरकार की सुविधाओं से वंचित जरूर रह जाते हैं। और उस समय में जब कोई आस नहीं दिखती है तो तब हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो आस जगाने का काम करती हैं। ये व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं जिसको ब्रेन ट्यूमर है और लगभग इसके एक दिन का खर्चा 2500 रुपये का आता है। जी हाँ, 3 इंजेक्शंस लगते हैं, लेकर जाना, लेकर आना, सारा कुछ अगर 2500 रुपये का एक दिन का खर्चा आता है तो महीने की बात की जाए 75,000 रुपये से 1,00,000 रुपये का खर्चा। और एक आम आदमी के लिए जिसमें 10,000 रुपये महीना कमाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए अगर इतना महंगा इलाज करवाना पड़ जाए तो उसके लिए बेहद ही दुखद ये बात हो जाती है। हमारे साथ तमाम जो हैं फाउंडेशन के, जो हैं स्माइल फाउंडेशन से संजीव मेहता जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि उन्हें 10 दिन तक जो हैं ये इंजेक्शन्स लगाने के लगभग 25,000 रुपये का खर्चा जो आ रहा है वो देने का काम करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद PGI में लेकर जाया जाएगा, एक बार डॉक्टर्स को रिकॉल किया जाएगा और उसके बाद भी अगर खर्चा आता है तो संस्था वो खर्चा भी उठाएगी। जी हाँ, एक बेहद ही सराहनीय काम है। अगर आप भी इनकी सहायता करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो है जी सके दोबारे से और एक आस जो है परिवार में, एक पत्नी है इनकी और दो बिटियां हैं और कहीं ना कहीं दो बिटियां हैं उनके सर से जो है पिता हैं उनके और कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मौत के मुँह से लड़ते हुए वापस आए हैं और ये फाउंडेशन के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच। मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, क्या कुछ आपके साथ हुआ था? इतने इंजेक्शन आपको लगते हैं, ब्रेन ट्यूमर बताया जा रहा है, सरों में स्टेपलर तक आपके लगाए गए थे टांगों में, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर पहले कान बता था, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई नस के अंदर, तो फिर अंदर से नस काट के निकाली उन्होंने। तो जब यहाँ पे तो 4-5 दिन फिरे हम, लेकिन हॉस्पिटल में खर्चे बहुत आ गया, हॉस्पिटल में बहुत खर्चा आया यहाँ पे, फिर हम इन्होंने यहाँ से PGI ट्रांसफर किया गुवाहाटी हॉस्पिटल से। अच्छा, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना खर्चा हो जाता था लमसम रोज? लगभग सर 1.5 लाख तो हो ही चुका है लगभग। अच्छा, तो जो इंजेक्शंस लगते हैं वो लगभग इंजेक्शन सर लगभग डेली के 2,000 के लग रहे हैं, 2,000 2500 रुपये 2500 क्या खर्चा आ रहा है डेली का। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से सर, कोई आयुष्मान कार्ड या कुछ इस प्रकार का? आयुष्मान कार्ड सर बंद हो गए थे पीछे, राशन कार्ड वगैरह बंद हुए, पहचान पत्र वगैरह, तो उसकी वजह से वो आयुष्मान कार्ड बंद हो गया था मेरा। तो दोबारा अप्लाई नहीं हुआ? दोबारा अप्लाई किया, वो कह रहे भी खुलेगा नहीं। अच्छा, अभी खुलेगा नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, स्माइल फाउंडेशन ने आपकी सहायता करने का सोचा कि इन्होंने लगभग आपको 10 दिन तक जो 2500 रुपये के इंजेक्शन आपके आते हैं, लगभग 25,000 रुपये हैं जो उनको देने का काम करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि इनकी सहायता मिल रही है मुझे जी फाउंडेशन की, नहीं तो ऐसे कोई मदद करता नहीं जल्दी से। ये तो मेरा एक फ्रेंड है हरदीप सहल, तो उन्होंने बताया कि सर की अपनी फाउंडेशन है, तो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने कहा चलो मैं बात करता हूँ उनसे, तो फिर उन्होंने नंबर दिया, मैंने फिर उनको व्हाट्सएप वगैरह किया। सर तो सर क्या कुछ लगता है, कितनी भयानक बीमारी है जो ब्रेन की? सर लगभग मना कर दिया था उन्होंने कि बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है, तो हरदीप सहल ने उनसे साइंस विन करें तो उन्होंने करा, बाकी खर्चे मेरा ये उठा रहे हैं यहाँ पे, ये मेरी वाइफ की बड़ी सिस्टर है। अच्छा, सारा खर्चा ही उठा रहे हैं लगभग, ये बड़े भाई साहब हैं हमारे, ये भी हेल्प कर रहे हैं बीच में। सर क्या कुछ लगता है कि कब आपको पता चला कि आपको ब्रेन ट्यूमर और अब ये बिल्कुल एक लास्ट स्टेज? सर लगभग एक हफ्ते बाद पता चला। अच्छा, वो भी हॉस्पिटल में जाके, आँखें नहीं खुल रही थी। अच्छा, उल्टियाँ नहीं डूब रही थी, चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो सर स्माइल फाउंडेशन जो है सामाजिक संस्था जो है जुड़ा भी पहले से, पर मेरे को पता नहीं था कि मेरी इसमें आईडी वगैरह है, तो मैं भी फिर साथ करता काम सर, इसकी वजह से मैं भी अब आगे घर में हेल्प करूँगा। हाँ जी सर, घर में कौन कौन है आपके? घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ, दो गुड़ियाँ मेरी। सर क्या कुछ लगता है कि उनके लिए भी तो बहुत कुछ करना है, अभी आप इस स्थिति में नहीं है? सर ये तो शुक्र है कि लोगों का बचा दिया मेरे को जी, नहीं तो मुश्किल हो गए थे सर, मौत के मुंह से ही बाहर आए, वापस आए सर जी। सर स्टेपलर से लगाए जाते हैं जो? सर पहले अंदर टांके होते हैं धागे के, उसके बाद ऊपर स्टेपलर के टांके होते हैं, उसके बाद फिर वो जब सूख जाते हैं स्टेपलर के टांके निकालते हैं वो कटिंग करके। काफ़ी मुश्किल होता है सर, पीड़ादायक है सर दर्द, बस मेरे को पता है बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द होता है सर, अब भी दर्द हो रहा है सुइयों में लगा लगा के जी।
अभी हमें से हाथ पकड़ने जा रहे थे, दर्द हो रहा है। प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। सर क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आप सेवन निकाल के आज ये मैसेज देने के लिए लोगों को आए हैं जी। जिस प्रकार ये जो लोग अपना इलाज नहीं करा पाते उनकी मदद के लिए आ गए हैं। सर कितना मुश्किल है सर इनके लिए, आप लगभग 25,000 रुपये की सहायता करें, सर इन फ्यूचर भी अगर इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसमें भी सही हो। हाँ बिल्कुल सही करेंगे, अगर ये 15 तारीख को उन्होंने पीजीआई जाना है चंडीगढ़ डॉक्टर दिखाने के लिए, अगर डॉक्टर के आगे ही बोलेंगे इंजेक्शन के लिए जितना इनका खर्चा होगा वो संस्था उठाने के लिए तैयार है। सर लगभग कितना खर्चा आ रहा है इनका जो आप अभी इनका? अभी जो इन्होंने बताया 25 रुपये डेली का आ रहा है, तो अभी इन्होंने 15 दिन के लिए 15 तारीख के लिए हमारे मदद मांगी 25,000 रुपये की, हम आगे उनको देने के लिए आए। तो सर आगे भी इसी तरह हेल्प करते जाएंगे, इस तरह हेल्प करते आएंगे। सर लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही लोगों के जी, सर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका क्या कहना चाहेंगे, वो भी संजीव कुमार जी? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अब जो भी इस तरह के पेशेंट जो गरीब है अपना इलाज नहीं करा पाते, वो पड़ोस में आपस में मिलके इस तरह के काम करने चाहिए उनको, ताकि जी हाँ। तो IB24 आपको कहना चाहेगा कि किस तरीके से आपने भी पहले लाखों लोगों की जान बचाने का काम किया है, इनको भी ब्रेन ट्यूमर है और कहीं ना कहीं इतनी भयानक ये जो बीमारी थी वो उनसे ग्रस्त थे, और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है, मुझे आप पर विश्वास है कि आप जो है इन्हें बचाने का काम जरूर करेंगे। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप मुझसे हमको दीजिए इजाजत, बने रहे IB24 के साथ, नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।